सो वी टॉक अबाउट द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बारे में समझेंगे कि ब्रेस्ट क्या होता है, इनके अंदर कैंसर क्यों खासकर होता है और इसके पीछे और क्या कारण होते हैं. सो दिस ब्रेस्ट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड, इसको हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं. और दे आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होता है, बट द फंक्शनल इन द फीमेल. और इट इज़ अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड विच कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट. हालांकि साइज ऑफ ब्रेस्ट इज डिटरमाइंड बाई लॉट ऑफ फैक्टर. द फर्स्ट इज जेनेटिक. जेनेटिक फैक्टर इज प्ले अ वाइटल रोल फॉर दैट. और जेनेटिक फैक्टर होता है जिसके मतलब इट डिपेंड ऑन द मदर, इट डिपेंड ऑन द ग्रैंड मदर. सेकेंड इज कॉल्ड डाइट. डाइट, फैटी डाइट अगर देखा जाए तो खासकर फैटी डाइट जो होता है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट. एंड थर्ड इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट भी बहुत असर पड़ता है. अगर आप अफ्रीका या उधर के आसपास देखेंगे तो देर इज अ साइज ऑफ इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट इज ड्यू टू द एटमोसफियर एज वेल, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है. डाइट जो होता है, फैटी डाइट अगर देखा जाए तो हाई सोशियो इकोनॉमिक लोगों में देखा जाता है. हाई सोशियो इकोनॉमिक जो काफ़ी रिच होते हैं, उनमें बाहर बाहर का ज़्यादा लोग खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर. और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हमारे ब्रेस्ट के ऊपर पड़ता है. इसलिए खासकर देखा जाता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होते हैं, द मैक्सिमम इज फ्रॉम द हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, हाई सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, बिकॉज उनमें सिगरेट और स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है. अल्कोहल, या अल्कोहल इज प्ले अ वाइटल रोल फॉर द इन्हांस द साइज ऑफ द ब्रेस्ट और द कॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. तो ये भी एक प्रमुख कारण में से है. तो करीब इसके अंदर ग्रैंडुलर टिश्यू होते हैं एंड ईच ब्रेस्ट हैज़ अ 15 to 20 मैमरी लोब एंड दे कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड मैमरी एल्वुलाई. लुक ओवर हियर, दिस इज अ लॉट ऑफ फैट्स, येलो कलर फैट्स इज देयर. ये पूरा का पूरा येलो कलर फैट है. और यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये रिब्स है, रिब्स के मसल्स हैं, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरालिस मेजर मसल. और फिर इस मसल के अंदर जब जाएंगे तो आपको पेक्टोरालिस माइनर मसल मिलेगा, ठीक है. ये पेक्टोरालिस माइनर मसल मिलेगा आपको. और यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल गोल से ये हमारे सारे ये लोब्स हैं, दिस इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड. और ये सारे लोब्स एक कॉमन पाइप में आके यहाँ पे अटैच हो रहे हैं, देख पा रहे हैं आप. सो दिस इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट, इसको हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं. लैक्टिफेरस डक्ट इसे बोला जाता है. सो दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट. और सारे के सारे लैक्टिफेरस डक्ट एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनस. और फिर जो है ये निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. और निप्पल के चारों तरफ दिस इज अ ब्लैक कलर स्किन, दैट इज कॉल्ड एरोला. तो दिस इज अ ब्लैकेस्ट कलर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एरोला. तो एरोला इज देयर, राइट. तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट एंड ये ऐसा होता है. और खासकर जो ये फैट है, पेक्टोरल फैट पैड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, राइट. इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट. यहाँ पे देखेंगे कि ये पीला पीला कलर जो देख पा रहे हैं आप, दिस इज अ होल फैट्स एंड एडिपोज टिश्यू. ये पूरा का पूरा मेमरी लोब्स है और ये पूरा का पूरा मेमरी डक्ट और निप्पल के थ्रू बाहर निकल जाता है. सो एल्वुलाई ओपन. एल्वुलाई इज नॉट, इट इज मतलब ऐसा नहीं है कि एल्वुलाई सिर्फ सिर्फ लंग्स में ही प्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है. तो एल्वुलाई ओपन इनटू द मेमरी मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी ट्यूब्यूल्स एंड द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच ट्यूब ज्वाइंट टू फॉर्म अ मेमरी डक्ट. ये मेमरी डक्ट बनाएगा. सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइंट टू फॉर्म अ वाइडर मेमरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच द मिल्क इज सक आउट. तो मेमरी एल्वुलाई, इसका सिक्वेंस अगर देखें तो मेमरी एल्वुलाई, मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला और तो यह फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट, फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट, राइट. तो मेमरी ग्लैंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि मेमरी ग्लैंड जो होता है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड.
और दे प्रोड्यूस अ मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. मिल्क आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दे आर प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस एंड बट द फंक्शनल इन द फीमेल ओनली. करीब 15 से 20 लोब्यूल्स इज प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट एंड ईच ब्रेस्ट हैविंग द निप्पल विच इज हैज ओपनिंग इन टू द मिल्क इमर्जेज आउट. राइट. आपके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सक्षम नहीं होते हैं, उनको आपको इस पैम्पलेट को शेयर करना चाहिए. मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन फ्री में क्रैश कोर्स पढ़ाता हूँ जिसका समय होता है डेली सुबह 9 बजे और शाम को 8 से 9 बजे, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके और फ्री में भी 360 आउट ऑफ 360 लेके आ सकते हैं. डेवलपमेंट से शुरू करते हैं. तो दिस इज द डेवलपमेंट. तो द ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, द ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी की अवस्था में कोई आता है, कोई फिर महिला आएंगी, ठीक है, तो एस्ट्रोजन इज द मेन हार्मोन टू द इंक्रीज द ब्रेस्ट. आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन ही महिला का हार्मोन होता है. अगर एस्ट्रोजन है तो महिला है. तो एस्ट्रोजन जो होता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में सहायक होता है. जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका ब्रेस्ट का साइज थोड़ा सा इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा ड्यू टू द प्रोलैक्टिन. एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ उस ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन होगा एंड इट इज ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन. ड्यू टू द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इज द मेन हार्मोन विच इज इमर्जिंग आउट द मिल्क. And this is called milk letdown factor. Milk letdown factor. इसे milk letdown factor भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के सहारे जो है, इसी के सहारे milk बाहर निकलता है. इसी के सहारे milk बाहर निकलता है. यहाँ पे देखेंगे the connective tissue and adipose tissue. The connective tissue and adipose tissue are play a vital role. Are play a vital role for the shape of the breast. But along with the adipose tissue and connective tissue, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर, जैसे कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया था, वो भी शेप के लिए जाने जाते हैं. महिलाओं में सबसे अधिक जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है वर्ल्ड वाइड. इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एशिया, नॉट इंक्लूडेड इन इंडिया, बट होल वर्ल्ड वाइड द फर्स्ट कैंसर इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर एंड सेकेंड माइट बी द सर्वाइकल और द कोलोरेक्टल कैंसर और लंग कैंसर, बट येस द फर्स्ट इज द ब्रेस्ट कैंसर. वाई सो, क्यों ऐसा होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है हर फीमेल में? अगर फैमिली पॉजिटिव हिस्ट्री है, अगर माता जी को या दादी जी को, नानी को, अगर किसी को प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाए, इनके बच्चों में प्रॉब्लम हो जाए. तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इज इंडिकेट कि उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है. दूसरा चीज ये होता है कि ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, समय के साथ बदलाव होता है उसके अंदर, ये भी एक कारण हो सकता है. फिर फैट डाइट, डाइट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है. अगर आप बहुत बार फैटी डाइट खा रहे हैं तो उससे भी होता है. अल्कोहल है ना, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी एक कारण हो सकता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. अब होता क्या है कि हर ब्रेस्ट कैंसर इतना भयानक नहीं होता है कि उसको ठीक ना किया जाए, बट द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो लेट स्टेज में आते हैं, पहले ही वो मेटास्टेटिस हो चुका होता है. इनिशियल स्टेज में आते ही नहीं है, स्टेज में पेशेंट आते ही नहीं है. और इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट नहीं आएंगे तो हमें पता नहीं होगा. क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको लगता है इट्स अ नॉर्मल जो चेंजेस हो रहा है, इट्स अ क्वाइट नॉर्मल. अब जैसे स्किन में कोई बदलाव आ रहा है तो फीमेल जल्दी से ब्रेस्ट को देखती ही नहीं है, पता नहीं, बिकॉज इंडिया में बहुत लोग शर्माते हैं. अरे अपना ऑर्गन देखने में क्या शर्माना है, ठीक है? तो स्किन में क्या चेंजेस चल रहा है पता नहीं चल पाएगा, है ना, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल पाएगा. रेडनेस और रैसेस को इतना ऐसे लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, रेड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रैसेस हो रहा है, अरे खुजली तो होता रहता है, कोई दिक्कत थोड़े ना है, इग्नोर. तो ये सारी छोटे छोटे साइन जो होते हैं इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. ये बिल्कुल इग्नोर के लायक नहीं है. यू शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर, टॉक टू दैट डॉक्टर की ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वहाँ वो डॉक्टर आपको देखेंगे, समझेंगे, मतलब, क्योंकि एटलीस्ट डॉक्टर को तो पता होता है कि ब्रेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है.
खासकर जब और ज्यादा दिक्कत होता है ड्रिम्पलिंग, जब जो एक्चुअली एरुला जो होता है, निप्पल जो होता है इवर्टेड होता है, आगे की तरफ निकला रहता है, तो ये अंदर की तरफ अगर धस जाए, ड्रिपलिंग हो जाए, तो दिस इज अ यूनिक साइन कि समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड योर ब्रेस्ट, राइट। अगर निप्पल जो एरुला है अंदर की तरफ धस जाए, सो अंदर की तरफ धस जाए, तो दैट इज अ समथिंग रॉन्ग इनसाइड द ब्रेस्ट। यू शुड गो विद द क्वालिफाइड डॉक्टर एंड उनसे बात करें। यहाँ पे देखेंगे ड्रिम्पलिंग भी है और पुल इनसाइड द निप्पल सेम फीचर है एंड डिम्पलिंग भी सेम ही है, और निप्पल अंदर की साइड धसा हुआ हो जाए तो वो हो जाता है। और लंप, यस लंप इज क्वाइट कॉमन। यू शुड वॉच, यू शुड एग्जामिन योर ब्रेस्ट रेगुलरली एटलीस्ट वंस अ वीक। और कैसे एग्जामिन करना है, पाम से करना है अपना ब्रेस्ट पे एग्जामिन करना, और एग्जामिन जो होता है उसको आप 12 o'clock से 3 o'clock, 6 o'clock और 9 o'clock ऐसे आपको इस डायरेक्शन में करना है। स्टार्ट विद द पेरिफेरल साइड एंड गो विद द इनर, राइट। तो पेरिफेरल साइड से स्टार्ट करना है और अंदर की तरफ जाते रहना, और इनकेस एनी लंप और समथिंग रॉन्ग विच इज नॉट सीन बिफोर दैट, तो यू शुड गो विद द क्वालिफाइड डॉक्टर, और वहां से आप बताइए कि कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गांठ है या समथिंग रॉन्ग इनसाइड माय ब्रेस्ट, तो माइट बी वो कुछ कर पाए। एंड यस, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट हम हर फीमेल को, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, एमबीबीएस कर रहे थे, तो हम लोग कैंपेन चलाते थे, वी गोज इन टू द लोकल मार्केट, लोकल कॉलोनीज, और वहां पे लोगों को अवेयर करते थे। ये करिकुलम था, कम्युनिटी मेडिसिन में था ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम सबसे पहले किसी भी फीमेल को सेल्फ एग्जामिनेशन करने का तरीका बताते हैं, हाउ यू एग्जामिन द ब्रेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन SBE। तो सबको नहीं पता होता है, रूरल एरिया में जाओगे नहीं पता चल पाएगा, वो पता नहीं चल पाएगा, ऐसे ऐसे दबा देंगे, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, पाम से पता चल पाएगा, तो ये करते हैं। फिर दूसरा, अगर हमें कुछ लंप या कुछ दिक्कत नजर आ रही है, तो सेकंड हम USG करते हैं, USG ऑफ द ब्रेस्ट, ताकि हमें पता चल जाए कि कुछ क्या है, है ना, या मैमोग्राफी भी कर सकते हैं। और तीसरा जो हमें करेक्ट क्लियर कट बता देगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, और वो है तो हम इसे बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी। ये तीन ऐसे मेन पिलर हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोस बना सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं। द सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, द USG दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द ब्रेस्ट, एंड द थर्ड, इफ एनी लंप इन द अल्ट्रासाउंड, तो वी हैव टू गो फाइंड नेडल इनसाइड द ब्रेस्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पे लंप है, तो यहाँ पे नेडल एक डालेंगे और उसके सेल्स को निकाल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में चेक करेंगे कि आखिर इसमें कोई बेनाइन, मतलब ये बेनाइन ही है या कुछ मेलेग्नेंसी है। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इसे बोलते हैं, तो ये बेनाइन है कि क्या है उसको हम चेक करेंगे, राइट। इफ इट इज अ बेनाइन, देन नो प्रॉब्लम, एक ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होती है, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी BCS, सिर्फ ट्यूमर को निकाल के और बाकी ब्रेस्ट को कर देंगे। एक कॉस्मेटिक होता है, पता भी नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा हल्का सा चीरा तो नजर आएगा, बट ठीक है, ब्रेस्ट को कंसर्व कर लेते हैं। अगर वो मैलिग्नेंट हो जाएगा तब तो उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, पूरा ब्रेस्ट को निकालना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हमें पेट स्कैन करके देखना पड़ेगा कि कहीं ये ट्यूमर किसी अन्य पार्ट में तो नहीं गए हैं, और इसके ट्यूमर जल्दी से लंग्स में चले जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट ऑफ द मैलिग्नेंट फेजेस, दे कंप्लेन देयर इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो हम लोग बिल्कुल क्लिक हो जाते हैं कि ये मेटास्टेटिक्स हो गया है, और मेटास्टेटिक्स अगर हो गया है तो समझ जाइए कि पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल है। कीमोथेरेपी डालिए, रेडिएशन दीजिए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड फर्स्ट इज गोज इन टू द लंग्स, ये सबसे खतरनाक चीज है। अगर कहीं और जाता तो शायद उसको कर सकते हैं, लंग्स में चला जाएगा, वो वाइटल एक्टिविटी को रोक देगा, तो समझ जाओ कि डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ही जरूरी, मतलब देखा, मतलब बहुत एक सोचनीय सब्जेक्ट है। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, MBBS करेंगे, फाइनल ईयर, जब मेरे फाइनल ईयर में एक केस था, हर स्टूडेंट के फाइनल ईयर में ब्रेस्ट कैंसर एक केस होता ही होता है।
तो जब मैं थर्ड ईयर से जाना शुरू किया हॉस्पिटल में, LNGP हॉस्पिटल में, बिकॉज द मौलाना आजादी इज एसोसिएटेड विद द LNGP हॉस्पिटल, सारे क्लिनिकल वहीं पे सीखते हैं हम लोग. तो वहाँ पे मैं देखता था बूढ़ी बूढ़ी माता जो मतलब 60 साल हो गई हैं, 50 साल हो गई हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. बड़ा दुख लगता है कि यार मतलब इनको आराम करने की ज़रूरत है, उनको कैंसर हो गया. तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एज रिलेटेड ही है, यंग फीमेल में भी हो सकता है. तो हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है. सो अनअकैडमी के ऊपर आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से आप मराठी में और हिंदी में, इंग्लिश में, और फ्री में भी आप क्लासेस ले सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं. ये सारा फ्री है, बस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा. और आप आपके छोटे जो सिबलिंग हैं, छोटे बहन भाई हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं आप. और पसंद आए उन्हें को प्लस दिलाना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करके, डॉक्टर एसके सिंह का कोड यूज़ करके आप उन्हें प्लस भी दिला सकते हैं. बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है अनअकैडमी की तरफ से, छोटे बच्चों के लिए, 9th 10th के लिए. आप सब इसका हिस्सा बनवा सकते हैं अपने बहन भाइयों को.